तो रिक्शा में हम लोग बैठ गए हैं। आसमान में पूरा से बादल छाया हुआ है, देखिए पूरा पानी से भरा पड़ा है। ओ माय गॉड, पुलिस की गाड़ी, उसको तो डर लगने लग गई पुलिस से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। हैप्पी मानसून। आप लोग के इधर बारिश हो रही है कि नहीं? हम लोग के इधर तो माय गॉड, दो दिन से लगातार बारिश होते जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है। बारिश है कि रुकने के नाम ही नहीं ले रही है। ये होना भी जरूरी था, इतना दिन से गर्मी जो पड़ रहा था, तो ये बारिश अगर नहीं होती तो ओ माय गॉड क्या होता, प्रलय आ जाता। तो ये बारिश भी होनी बहुत 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 जरूरी थी, है कि नहीं? तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा न्यू ब्लॉग वीडियो अपलोड हो तो आप सब तक के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ जुड़ पाए, है कि नहीं? तो आज देखिए बारिश का दिन है, तो आज हम कहीं जा रहे हैं, ये बारिश में जा रहे हैं। ओ माई गॉड, तो कहाँ जा रहे हैं बारिश में, आप लोग समझ सकते हैं, बता सकते हैं बारिश में हम कहाँ जा रहे हैं? कैसे बताइएगा? हम बताएंगे तभी तो बताइएगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ अंत तक के, है कि नहीं? एक लाइक और एक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। और कहाँ जा रहे हैं वो जाते हैं फिर दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना? तो देखिए अभी हम घर के बाहर निकल गए हैं और बारिश से रुक गई है अभी। अब जहाँ जा रहे हैं कहीं वहाँ कहीं बारिश पकड़ न ले, है कि नहीं? रिक्शा आ गया है और हम और छोटी घर से निकल गए हैं। रिक्शा पे पूरा पन्नी लगा हुआ है, रिक्शा कवर है पन्नी से कि बारिश से हम लोग बच सके, है कि नहीं? तो ये देखिए जल जला पानी का। अब यहाँ से जो है हम लोग घर के बाहर निकल गए हैं, अब देखिए पूरा दरभंगा जल जला हो पड़ा है। अभी बारिश छुट्टी है ना, तो इसलिए घर के बाहर सब निकले हैं, लेकिन यहाँ का जल जला देखिए। ये तो लहरिया सराय है, अभी दरभंगा बाकी ही है। देखिए पूरा पानी से भरा पड़ा है। ओ माय गॉड, और ये गाड़ी वाले भैया सब है, सबका काम होगा। ओ माय गॉड, पुलिस की गाड़ी, उसको तो डर लगने लग गई पुलिस से। तो ये अभी लहरिया सराय ही है, हैं? और उधर देखिए बाइक का चक्का पूरा डूब ही गया। ओ माय गॉड, टेम्पू वाले, टेम्पू का भी चक्का डूब चुका है। सब परेशान है पानी से, पहले गर्मी से परेशान फिर पानी से परेशान। और ये बाइक वाले सबको मजा आता रहता है। ओ माय गॉड, देखिए पानी, छी 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 छी, गंदा पानी, गंदा पानी, ये नाली का पानी। ओ ये स्विमिंग पूल है हम लोग का, बिहारी स्विमिंग पूल। आइए जल्दी से इसमें तैरना शुरू कीजिए। यहाँ देखिए पूरा आम ही आम है, आम ही आम है। तो पानी पार कर गए हैं हम लोग, अब आ गए हैं रोड पे, लेकिन सड़क भी जो है पूरा गीला हो पड़ा है। ओ माय गॉड, लोग कहता है कि बारिश होता है तो सब घर में रहता है, लेकिन सड़क पर देख करके तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बारिश होने का, बारिश जब होता है तो सब घर में रहता है। ओ माय गॉड, सड़क इतना जाम जाम दिख रहे हैं। तो ये देखिए इधर भी पूरा जलमग्न हो गया है, पूरे पानी ही पानी। तो हम लोग आए हैं कॉलेज, कॉलेज में है आज छोटी का एग्जाम, और हम पहली बार लाइफ में एग्जाम सेंटर पे आए हैं, पहली बार, कभी नहीं आए थे और ये पहली बार हम आए हैं, वो भी बारिश का दिन, और एग्जाम सेंटर पे छोटी को लेकर के हम आए हैं। तो छोटी चली गई है अंदर एग्जाम देने के लिए, और हम जो है सभी गार्डन में बैठे हुए हैं,
वो तो अच्छा है कि बारिश जो है से छूट गई है, नहीं तो अभी बारिश होती रहती तो ओ माय गॉड कहाँ पर सब रहता। और यहाँ पे जो है ना से रहने का जो है सबका बैठने का जगह बहुत बड़ा है और दो तीन गार्डन है, गार्डन में बैठने का व्यवस्था भी है। और ये कॉलेज जो है ना बहुत बड़ा कॉलेज है, देखिए पीछे। अगर आप लोग दरभंगा से है तो कॉलेज देख करके बता ही सकते हैं कि कॉलेज कौन है ना। पहले आप लोग समझिए फिर हम बताते हैं ये कॉलेज का नाम, दिखाते हैं। तो ये देखिए गार्डन है, इसमें देखिए बैठने का कितना अच्छा व्यवस्था किया गया है। अगर हम आज नहीं यहाँ आते तो ये सब तो मिस कर जाते ना, ये सब तो कभी देखते भी नहीं। लेकिन ये सब जो है ना पता है, हम कहीं नहीं जाते हसबैंड जी के वजह से, वो हमको कहीं भी जाने नहीं देते, आज भी अपने जिद से आए। एक सिटिंग एग्जाम हो गया है, दूसरा सिटिंग में छोटी का एग्जाम आज पढ़ रहा है। इससे पहले जो छोटी आती थी एग्जाम देने के लिए वो पहले सिटिंग में रहता था, लेकिन आज दूसरा सिटिंग में है, इसीलिए अभी जो है 2 बजने वाला है, 2 बजे से एग्जाम शुरू होगा, है ना। ओ माय गॉड 2 दिन से बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक हम सोचे कि चलो बारिश में जाते हैं, हैं, लेकिन बारिश छूट गई, ये तो अच्छा हुआ है कि नहीं। लेकिन अभी भी पूरा दरभंगा जो है सो जलमग्न है, पूरा भरा पड़ा है। लेकिन जब बारिश छूटी है तो पानी निकला है, अभी रोड सब जो है ना सो पूरा भरा पड़ा था पानी से, वो सब क्लियर हो गया है, क्योंकि अब नाली सब जो है ना सो बहुत अच्छा से बना है, तो इसीलिए पानी जो है सो रोड से पूरा क्लियर हो गया है। और हम जब अभी आए हैं तो अभी अच्छा से आए हैं, है ना। तो एग्ज़ाम जो है सो ख़त्म हुआ है, तो अब स्टूडेंट सब धीरे धीरे बाहर निकल रही है, निकल रहा है, लेकिन अभी तक छोटी जो है अभी तक अंदर ही है, वो अभी तक नहीं निकली है। इसीलिए देखिए भीड़ कितना है स्टूडेंट, ओह माय गॉड। तो हम पहली बार आए हैं एग्ज़ाम सेंटर खुद का एग्ज़ाम देने के लिए, छोटी दे रही है लेकिन मेरा भी एग्ज़ाम है। छोटी का एग्ज़ाम हो गया ख़त्म, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, आज का ख़त्म हो गया है, छोटी निकल गई है, यस। ओ माय गॉड गार्जियन के लिए कितना बोरिंग होता है ये 3 घंटा बिताना, ओ माय गॉड हद से ज़्यादा, कैसे 3 घंटा बिताए, घर पे रहते तो टाइम का पता ही नहीं चलता, लेकिन यहाँ ओ माय गॉड वो तो मौसम अच्छा था कि फिर भी कट गया है, नहीं तो कितना भारी पड़ता। तो देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है, अब हम लोग रिक्शा ढूंढ रहे हैं कि हम लोग जो रिक्शा से आए थे वो कहाँ पे है, कैसा है, कहीं ठीक से लिखी उखी कि नहीं रे? नहीं नहीं था, टिक लगाना था। तो लिखना था नहीं, टिक लगाना था। अब हम लोग रिक्शा ढूंढ रहे हैं कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, यही है, यही है, मिल गया मिल गया भैया, रिक्शे वाले भैया मिल गए हैं। और बारिश फिर से लगने लगी है, तो अब बारिश होगी। तो रिक्शा में हम लोग बैठ गए हैं और आसमान में पूरा से बादल छाया हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोग का किस्मत अच्छा था कि कल से बारिश हो रही थी, लेकिन आज जब हम लोग घर से निकले तो बारिश ख़त्म हो गई थी और अभी तक बारिश हुई नहीं है, लेकिन अब जो है सो बारिश फिर से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हम लोग तब तक के घर पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ। देखिए अभी रोड गीला है ना पूरा, इसमें पूरा से पानी भरा हुआ था, हैं पूरा से पानी। ऐसे जब बारिश होता है ना तो दरभंगा जो है तो पूरा से डूब जाता है, हम लोग जो है मेढक बन जाते हैं या दरभंगा पूरा से डूब जाता है। अभी ठीक है, अभी पानी नहीं है, अभी सही है। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर, ना ही तो हम भींगे, ना ही तो छोटी, और ना ही तो मेरा छाता, कोई नहीं भींगा, सब बच गए हम लोग सच में। और आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ जुड़े रहे इसके लिए दिल से थैंक यू। और एक लाइक कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है कि नहीं। हम लोग घर पहुंच गए हैं, तो आप चलते हैं घर की ओर, भूख बहुत जोर का लग गया है, क्योंकि ओ माय गॉड बैठ बैठ के क्या बताएं सच में। मतलब घर में जब बैठे रहते हैं
तो ऐसे दिन कटता है पता ही नहीं चलता है, कब 2 बजा 4 बज जाता है 6 बज जाता है रात हो जाता है। और एग्जाम हॉल में बच्चे सब तो एग्जाम देने के लिए चली जाती है रूम में और लिखती रहती है, तो उसका 2-3 घंटा कट जाता है। और जिसका गार्जियन जाता है, ओ माय गॉड, 3 घंटा बैठना पड़ता है वहाँ पे, सच में बहुत भारी लगता है। एग्जाम हॉल में हम पहली बार गए हैं, है ना, पहली बार लाइफ में पहली बार हम एग्जाम हॉल में गए थे, और भी छोटी को एग्जाम दिलाने के लिए ले गए थे पहली बार। अंकिता निकल गई है पढ़ाई करके और अंजलि भी निकल गई है, और छोटी भी अब 1 साल के बाद निकल ही जाएगी। बुझिए इतना बच्चे मेरे पढ़े हैं और एग्जाम दी है, लेकिन आज हम पहली बार गए छोटी को एग्जाम दिलाने के लिए, है कि नहीं। आप लोग भी अपने बच्चे के साथ जरूर गए होंगे एग्जाम दिलाने के लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बाय बाय।